दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं अहमदाबाद में, और अहमदाबाद है ही बहुत ज्यादा फेमस अपनी भजिया के लिए। तो अभी हम लोग एक बहुत ही फेमस पॉइंट पे आ चुके हैं भजिया के, जहाँ पर मतलब किलो के हिसाब से भजिया बेची जाती है। मतलब 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 20 किलो इस हिसाब से लोग जो है ना भजिया लेकर जाते हैं। तो ये दुकान है जिसके अंदर भजिया बनती है। तो गाइस ये देखिए, सबसे पहले इसमें बेसन जा रहा है, तो ये यहाँ पे जो है घोल बनाया जाएगा। तो ये बेसन जा चुका है, तो एक बार में जो है इतना यहाँ पे क्वांटिटी बनती है, और ये पानी ऐड किया जा रहा है। तो कौन सी भजिया बन रही है काका यहाँ पे? मेथी का। दोस्तों ये देखिए, ये मेथी के पत्ते आ गए हैं यहाँ पर, और ये ढेर सारी मिर्च इसके अंदर जाने वाली है। तो देखिए एकदम भर के बर्तन में मिर्च ली थी और वो पूरी की पूरी यहाँ डाल दी है। तो एकदम बढ़िया भजिया यहाँ पर बनाई जाती है। देखो और ले लिए भैया ने मिर्च, तो ये इसके अंदर पूरी की पूरी मिर्च डाल दी, मिर्च भजिया सॉरी मेथी से ज़्यादा यहाँ पे मिर्च डाली है इसके अंदर। एकदम बढ़िया भजिया यहाँ पे प्रिपेयर की जा रही है। ये देखिए एकदम घोल बढ़िया सा यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है, और जो इसकी मिर्ची है ना, इसकी नाक में पूरी स्मेल चढ़ रही है। तो ये देखिए अमेजिंग तरीका है यहाँ पर बनाने का। और ये देखिए कितनी सारी भजियाँ यहाँ पर जो है फ्राई होकर ऑलरेडी निकल रही है। तो इसी तरीके से ना पूरे दिन यहाँ पर भजिया बनती रहती है। तो लोग ना किलो के हिसाब से यहाँ पर जो है भजिया लेके जाते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, इस तरीके से यहाँ पर भजिया लेके जाते हैं लोग। तो बहुत ही पसंद है लोगों को यहाँ पर भजिया। तो देखिए घोल यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा भजिया का। तो दोस्तों ये देखिए भजिया को अब फ्राई किया जा रहा है, तो वहाँ पे हमारी मेथी भजिया बनाई जा रही है, और यहाँ पर जो है ये आलू की भजिया बनाई जा रही है। देखिए तो दोनों भजिया आपको साथ में मिलेंगी, तो दो टाइप की भजिया ही आपको यहाँ पे मिलेगी। ये पटाखा भजिया है और वहाँ पे ये मेथी भजिया बनाई जा रही है। तो एकदम बढ़िया हमारी यहाँ पे जो है भजिया बनाई जाती है, और कंटिन्यूस पूरे दिन इसी तरीके से भजिया बनती रहती है। पता नहीं कितने किलो के हिसाब से यहाँ पर भजियों के लॉट बनते रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भजिया को फ्राई किया जा रहा है। 3 बंदे यहाँ पर जो है भजिया को कढ़ाई में डाल रहे हैं। एकदम बढ़िया तरीके से भजिया बनाई जाती है यहाँ पर, और यहाँ की भजिया जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी आपको भीड़ दिखाते हैं हम कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है दुकान पे लोगों की। तो ये देखिए काका यहाँ पर इस भजिया को निकालते जा रहे हैं, और एकदम बढ़िया भजिया प्रिपेयर हो रही है। तो दोनों भजिया आपको इसके अंदर मिलेंगी, बटाका की भी, बटाका की भी, और मेथी की भी, मेथी मिर्ची। तो हम लोग भी ना ट्राई करेंगे। एकदम बढ़िया भजिया यहाँ पे बन रही है, और बिना चटनी के साथ ये सर्व की जाती है। मतलब बिना चटनी के लोग इस भजिया को खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हमारी भजिया जो है फ्राई हो रही है, और ये देखिए एकदम बढ़िया कलर आ चुका है हमारी भजिया का। तो इसके अंदर कौन कौन सी भजिया है काका मिक्स? तो मेथी और बटाके का, बटाका यानी आलू की, आलू का भजिया है इसके अंदर। ये देखिए, और इनकी जो मेथी भजिया है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हाँ, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये भजिया बढ़िया सी प्रिपेयर हो रही है, और अब इसको निकाला जाएगा। ये देखिए ये एकदम बढ़िया कलर आ गया, करारा, एकदम करारी हो गया, और यहाँ की भजिया बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया फ्राई कर दी है काका ने यहाँ पे भजिया। ये तो मतलब लोग किलो के हिसाब से यहाँ पर भजिया लेके जाते हैं दोस्तों, आप मानेंगे। मतलब चाय के साथ ही भजिया खाई जाती है, लोग ऐसे ले जाते हैं किलो किलो में, मेहमान आते हैं तो ये भजिया ले जाते हैं, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर ये भजिया खाई जाती है। ये देखिए ये अमेजिंग, और मतलब बनती भी इतनी ही क्वांटिटी में है यहाँ पर भजिया, और मतलब पता नहीं कितने लॉट्स इस तरीके से दिन में चलते रहते हैं यहाँ पर भजिया के। तो हमारी भजिया यहाँ पर निकल चुकी है, और इतनी ज़्यादा ये टेस्टी लग रही है ना, एकदम करारी करारी भजिया। और जो मेथी वाली भजिया बनाई थी उसमें इतनी सारी ढेर सारी मिर्ची इन्होंने डाली थी, और बिना मतलब ये जो भजिया है ना बिना चटनी के साथ खाई जाती है, सॉरी बिना चटनी के खाई जाती है, तो चटनी लगाकर इस भजिया में नहीं खाया जाता। तो हमारी भजिया हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर रेडी, और अब इस भजिया को करते हैं हम लोग ट्राई। तो दोस्तों ये देखिए अब ये दुकान पर भजिया ले जाई जा रही है इस तरीके से, ये भजिया वो सामने जो दुकान आप देख रहे हैं ना वहाँ पर ले जाई जाती है। तो गाइज ये आ चुकी है हमारी, मिक्स रहती है, आलू की रहती है, और ये बटाका बड़ा रहता है। ट्राई करते हैं, अच्छा बिना चटनी के साथ इसको दिया जाता है, 300 रुपये किलो है ये। तो ट्राई करते हैं, तो ये मेथी वाली और मिर्ची वाली है, तो खूब सारी मिर्ची इसने इसमें डाली थी। काफ़ी बढ़िया है टेस्ट ये इस वाली भजिया का, ये भी ट्राई कर लेते हैं। टेस्ट इज़ गुड। तो आज हम लोग आए हुए हैं रायपुर भजिया हाउस पे, जो कि है अहमदाबाद के अंदर। इनका यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं मिलेगा आपको, बिना बोर्ड के दुकान है ये, और बिना चटनी के ये सर्व की जा रही है। तो इनकी जो दुकान है ना मेकिंग है वो उस साइड पे है, तो वहाँ पे आपको बोर्ड मिलेगा। तो मुझे अच्छी लगी नो डाउट, और लोगों को भी बहुत पसंद है यहाँ पर। अभी तो भीड़ ख़त्म हो गई, इससे पहले जब मैं शूट कर रही थी भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। तो नाइस, आप एक ट्राई दे सकते हैं इसको,
एक बार आइएगा, ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अभी हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।